Hey friends, it's me Vishakha and welcome back to your own channel Natural Beauty Tips. दोस्तों आज की वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही यूजफुल है। आज मैं आपको घर में ही होममेड सैनिटाइजर बनाना सिखाऊंगी जिसको बनाने में मात्र एक मिनट लगेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस सैनिटाइजर बनाने के लिए सबसे पहले जो आपको चाहिए वो है रविंग अल्कोहल या फिर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, इसे या फिर स्प्रिट भी कह सकते हैं, जो इंजेक्शन लगाने से पहले इसे लगाया जाता है। उसके बाद हमें चाहिए फ्रेंड्स एलोवेरा जेल। फ्रेंड्स आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, अगर आपके पास घर में भी पौधे अवेलेबल हैं तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको फ्रेंड्स अल्कोहल लेना है। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने आधी कप ये अल्कोहल ली है, आप देख सकते हो मैंने आधी कप ली है, स्प्रिट ली है। और इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या लेना है, अगर आप आधी कप स्प्रिट लिए हैं तो उसके आधे जो रेशियो है, अनुपात है, उसके एलोवेरा जेल इसमें मिलाना है। अगर आप एक कप स्प्रिट लेते हैं तो आधी कप आपको एलोवेरा जेल डालना होगा इसमें, अगर आप आधी कप स्प्रिट ले रहे हो तो उसमें उसकी एक चौथाई कप एलोवेरा जेल डालना है। अब आपको इसमें लेना है थोड़ी सी ग्लिसरीन, आपको यहाँ पे एक चम्मच के करीब में ग्लिसरीन इसमें ऐड करना है। अब इसके बाद फ्रेंड्स आपको चाहिए, अगर खुशबूदार बनाना हो तो इसमें आप मिला लीजिए कोई भी एसेंशियल ऑयल, कुछ भी मिला लीजिए। मैं यहाँ पे गुलाबों की खुशबू बहुत पसंद है तो मैं यहाँ पे 2 से 3 ड्रॉप्स ये जो है गुलाब जल ऐड कर रही हूँ। आपको 2 से 3 बूंद इसमें गुलाब जल ऐड करना है। अब इसे फ्रेंड्स अच्छी तरह से मिला लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स ये अच्छी तरह से मिल चुके हैं। अब हम इसे एक एयरटाइट कंटेनर में इसे रख देंगे। ये देखिए मैंने इसे पहले से ही धोकर धूप में सुखा रखे हैं, अब इसमें मैं रख लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा सैनिटाइजर बनकर तैयार है। अब जब भी आप इसे यूज करेंगे बस एक बार शेक कीजिए। देखिए एक बार शेक करने के बाद अपने हाथों में लगाइए। 2 से 3 ड्रॉप सैनिटाइजर लिए अपने हाथों में, अब इसे अच्छे से, वाओ कितनी अच्छी लग रही है, हमारा सैनिटाइजर बनकर रेडी है।